हेलो, गुड मॉर्निंग जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। मौसम अपडेट। आज जिन जिलों में भारी बारिश, येलो अलर्ट जारी। रांची समेत कई जिलों में 14 सितंबर तक भारी बारिश होगी। मौसम में यह परिवर्तन बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव बनने से हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। कल रविवार को कई क्षेत्रों में हल्के तो कई क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। वहीं कई क्षेत्रों में दिन भर बादल छाए रहे। वहीं आज 12 सितंबर को राज्य के दक्षिणी भाग के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खारसावां एवं मध्य झारखंड के रांची के अलावा बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी व रामगढ़ व उत्तर पूर्वी झारखंड के देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज में भारी बारिश होगी। वहीं 13 व 14 सितंबर को झारखंड के अन्य हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं मौसम को देखते हुए लोगों को आगाह किया गया है कि वे सतर्क और सावधान रहे, सुरक्षित स्थानों में शरण ले, पेड़ के नीचे न रहें, बिजली के खंभों से दूर रहें, किसान अपने खेतों में न जाएं और मौसम सामान्य होने की प्रतीक्षा करें। भाकपा माओवादी नक्सली संगठन 21 से 27 सितंबर तक मनाएगा 18वीं वर्षगांठ, पुलिस हुई अलर्ट। भाकपा माओवादी संगठन ने 21 से 27 सितंबर तक 18वीं वर्षगांठ मनाने का निर्णय लिया है। संगठन स्थापना की 18वीं वर्षगांठ को लेकर माओवादियों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। यह आह्वान क्रांतिकारी अभिनंदन के साथ उत्तरी छोटा नागपुर जोनल कमेटी भाकपा माओवादियों के द्वारा किया गया है। इसके लिए माओवादियों ने पोस्टर भी जारी किया है। पोस्टर में 21 सितंबर से 27 सितंबर तक पार्टी के 18वीं वर्षगांठ को जोश के साथ मनाने और सफल बनाने की अपील की है। इसे लेकर माओवादियों की सक्रियता बढ़ सकती है और वे किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। फिलहाल इस पोस्टर को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर है। पुलिस पूरी तरह से सावधानी बरत रही है। झारखंड में सियासी सरगर्मी के बीच सीएम से मिले माली नेता दीपांकर भट्टाचार्य और विनोद सिंह। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने रविवार शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। यह मुलाकात कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में हुई। इस अवसर पर दोनों के बीच राज्य में चल रहे विकासात्मक कार्यों सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। मौके पर विधायक मनोज सिंह एवं भाकपा माले के झारखंड राज्य सचिव मनोज भट्टा उपस्थित थे। मुख्यमंत्री के साथ माले नेताओं की मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। बीते दिनों में विधानसभा में हेमंत सरकार के बहुमत साबित करने के लिए बुलाए गए मानसून सत्र के दौरान विधायक विनोद सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समर्थन में वोट किया था। भाई की हत्या कर दफनाने के आरोपी बहन व उसका प्रेमी गिरफ्तार। झारखंड के रामगढ़ जिले के पतरातू के बरतुआ गांव निवासी रोहित कुमार की हत्या कर सगी बहन व उसके प्रेमी ने उसे दफना दिया था। रविवार को उसका शव बाहर निकाल लिया गया। दंडाधिकारी शिवशंकर पांडे व पुलिस की उपस्थिति में शव को बाहर निकाला गया। शव को बाहर निकालने के बाद उसकी पैकिंग कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आपको बता दें कि पुलिस ने भाई की हत्या की आरोपी बहन चंचला कुमारी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस उपाधीक्षक इंद्र चौधरी ने कहा कि युवती चंचला कुमारी के द्वारा अपने एक सहयोगी के साथ मिलकर इस तरह का जघन्य कार्य किया गया है। युवती और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। दंडाधिकारी शिवशंकर पांडे ने कहा है कि युवती के द्वारा इतना बड़ा षड्यंत्र किया गया है। इस मामले को लेकर फिलहाल पुलिस प्रशासन अपना कार्य कर रही है। अनुसंधान के क्रम में यदि और अन्य दोषी होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जेपीएससी के नई अध्यक्ष बनी एम नीलिमा क्रिकेटा। सेवानिवृत्त आईएएस अफसर मेरी नीलिमा क्रिकेटा जेपीएससी के नए अध्यक्ष होंगी। राज्य सरकार ने उन्हें अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य सरकार के आदेश के बाद अब इससे संबंधित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की बैठक में जाएगा। वहां से सहमति होने के बाद अंतिम स्वीकृति के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। उनकी स्वीकृति के बाद अधिसूचना जारी होगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दुमका पेट्रोल हत्याकांड। नाबालिग लड़की की बड़ी बहन को विधायक ने दिया नियुक्ति पत्र। पेट्रोल छिड़ाकर जिंदा जलाई गई नाबालिग लड़की की बड़ी बहन को विधायक बसंत सोरेन ने रविवार को नियुक्ति पत्र दिया। इस अवसर पर जिला प्रशासन के वरीय अधिकारी भी उपस्थित थे। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग दुमका में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के पद पर उनकी नियुक्ति हुई है।
रांची की छात्र का खौफ, मेरे साथ कहीं दुमका जैसी वारदात न हो जाए, पुलिस कर रही स्कूल की पहरेदारी। रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र स्थित प्रोजेक्ट प्लस टू हाई स्कूल सदमा में 5 सितंबर को मुस्लिम समुदाय के कुछ युवकों द्वारा न सिर्फ स्कूल के बच्चों के साथ छेड़छाड़ की गई बल्कि शिक्षकों और छात्रों के साथ मारपीट भी की गई। इस दौरान आरोपी हथियार लहराते देखे गए। इस मामले में 9वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्र डरी सहमी हुई है और अब वह स्कूल जाने से डर रही है। बच्ची को डर है कि कहीं उसके साथ दुमका जैसी वारदात ना हो जाए। सदमा स्कूल में कल रविवार की वजह से भले ही पढ़ाई ना हो रही हो, लेकिन स्कूल के बाहर पुलिस कर्मियों की तैनाती जरूर देखी गई। वही स्कूल के बाहर शिक्षक दिवस के दिन हुई वारदात की चर्चा है। जिन छात्रों ने उस दिन उस भयावह मंजर को देखा था, वह आज भी सहमे हुए हैं। स्कूल के क्लर्क आशीष ने बताया कि स्कूल में घुसे युवक गाली गलौज के साथ हथियार भी लहरा रहे थे और छात्राओं से भी छेड़छाड़ कर रहे थे, लड़कियों का हाथ पकड़ रहे थे। और मांझी के सदमा हाई स्कूल में पढ़ने वाली 9वीं की छात्रा ने बताया कि उससे लगातार छेड़छाड़ हो रही है और जबरन दोस्ती करने के लिए कहा जा रहा है। उसका मोबाइल नंबर भी आरोपी मांग रहे हैं और नहीं देने पर उसे घर से जबरन उठाने की धमकी दे रहे हैं, इसलिए डर से वह स्कूल नहीं जा रही है। वही दुमका जैसी वारदात उसके साथ ना हो जाए। हालांकि पुलिस का कहना है कि 5 आरोपियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। रांची में हाईवा और बाइक की सीधी टक्कर, हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत। इटकी थाना के इटकी मोड़ के पास ब्राह्मी जाने वाली सड़क पर बाइक और हाईवा में सीधी टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक पर सवार 2 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान इटकी थाना क्षेत्र के पलमा गांव निवासी मंगरू उरांव और अजय कुजूर के रूप में की गई है। पुलिस दोनों शवों को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। पुलिस ने दोनों वाहनों को भी अपने कब्जे में कर लिया है। जानकारी के अनुसार बाइक सवार चितरकोटा से वापस अपने घर पलमा गांव लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी बाइक की रफ्तार काफी अधिक थी। इसी दौरान रानी खटंगा गांव के समीप सामने से आ रही तेज रफ्तार हाईवा से उनकी सीधी टक्कर हो गई। इस हादसे के बाद बालू लदा हाईवा भी पलट गया। जैसे ही हादसा हुआ, आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने देखा कि युवकों की मौत हो गई है, जबकि हाईवा के चालक और खलासी मौके से फरार हो गए। दुर्गा पूजा में गुफानुमा पंडाल, डीजे और आतिशबाजी पर लगी रोक, गाइडलाइन जारी। दुर्गा पूजा, दीपावली, काली पूजा और छठ महापर्व पर विधि व्यवस्था को लेकर शनिवार को पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के मुताबिक दुर्गा पूजा में गुफानुमा पंडाल का निर्माण नहीं होगा, विसर्जन जुलूस में डीजे नहीं बजेगा, वही आतिशबाजी पर रोक रहेगी। विसर्जन में शामिल होने वाले की सूची 2 दिन पहले अधिकारियों को देनी होगी। इस संबंध में डीसी विजया जाधव और एसएसपी प्रभात कुमार की और से संयुक्त आदेश जारी कर किया गया है। जारी गाइडलाइन के तहत बताया गया है कि आगामी 24 सितंबर से 10 नवंबर 2022 तक सुपर जोनल और जोनल अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। 18 सुपर जोनल अधिकारी तथा 32 जोनल अधिकारी की प्रतिनियुक्ति का आदेश दिया गया है। जोनल एवं सुपर जोनल अधिकारी एवं संबंधित पुलिस पदाधिकारी परस्पर समन्वय और संवाद स्थापित करेंगे, क्षेत्र अंतर्गत नियमित भ्रमण करेंगे, एकत्रित सूचनाओं को कंट्रोल रूम में देंगे, तत्काल मौके पर पहुंचकर विधि के अनुसार कार्रवाई करेंगे। धनबाद के मुथूट फाइनेंस में डकैती विफल करने पर चैम्बर ने एसएसपी को किया सम्मानित। बैंक मोड़ में मुथूट फाइनेंस में पिछले दिनों डकैती की घटना विफल करने के लिए फेडरेशन ऑफ धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने रविवार को एसएसपी संजीव कुमार व अन्य पुलिस पदाधिकारियों को सम्मानित किया। जोड़ा फाटक रोड में हावड़ा मोटर स्थित चैम्बर सभागार में एसएसपी संजीव कुमार, सीटीएसपी रेशमा रामेशन, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर, डीएसपी साइबर तथा बैंक मोड़ थाना प्रभारी पीके सिंह, मुंशी गौतम, जवान उत्तम को अंगवस्त्र व पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। जिला चैम्बर के अध्यक्ष चेतन प्रकाश गोयनका ने कहा है कि मुथूट फाइनेंस की घटना में पुलिस के उठाए कदम से अपराधियों में खौफ बन चुका है। शहर के व्यवसायी अब खुद को सुरक्षित महसूस करने लगे हैं। देवघर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और झारखंड के मुख्य न्यायाधीश, बाबा धाम में की पूजा अर्चना। श्रावणी मेले के खत्म होने के बाद बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए कई वीआईपी देवघर पहुंच रहे हैं। रविवार को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एमआर शाह और झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रविरंजन ने सपरिवार बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचे और पूजा अर्चना की। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एमआर शाह और झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रविरंजन के बाबा धाम पहुंचने पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्हें बाबा मंदिर प्रशासनिक भवन में पुरोहितों ने मंत्र उच्चार के साथ पूरे विधि विधान से उन्हें संकल्प कराया गया। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने द्वादश ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। इसके अलावा मौके पर उपस्थित उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश को भेंट स्वरूप जो है स्मृति चिन्ह और बाबा मंदिर का प्रसाद दिया। जेई एडवांस में कोल्हान टॉपर बना कदमा का देवराज कर्मकार।
जेई एडवांस का रिजल्ट रविवार की सुबह 10 बजे IIT बॉम्बे ने जारी कर दिया। इसमें जमशेदपुर के कदमा का रहने वाला देवराज कर्मकार को अखिल भारतीय स्तर पर 145वां रैंक प्राप्त किया है। वह कोल्हान टॉपर बना है। उसे कुल 360 अंक में से 228 अंक प्राप्त हुआ है। झारखंड में फिर सुलगने लगी स्थानीय नीति की आग। जेएमएम विधायक लोबिन हेमरम बोले, जिसके पास खतियान वही झारखंडी। झारखंड में खतियान आधारित स्थानीय नीति की आग समय के साथ सुलगती ही जा रही है। झारखंड बचाओ मोर्चा ने इस मांग को लेकर पुराने विधानसभा मैदान में सभा की। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के कई जिलों से इस सभा में लोग बारिश के बावजूद शामिल हुए। इस मौके पर जेएमएम विधायक लोबिन हेमरम ने कहा है कि जिनके पास खतियान है वही झारखंड का होगा। झारखंड में फिर एक बार खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति की मांग मुखर होने लगी है। 1932 का खतियान लागू करो के नारे लग रहे हैं। हालांकि खतियान का मतलब अंतिम सर्वे का राजनीतिक संदेश भी दिया जा रहा है। पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव का कहना है कि राज्य में झारखंड बचाओ मोर्चा का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य झारखंडी जनता को उनका हक अधिकार सुरक्षित करना है। देवघर के त्रिकूट पहाड़ के नीचे दुकानों में लगी आग। देवघर के पर्यटन स्थल त्रिकूट पहाड़ के नीचे लगी दुकानों में देर रात आग लगने से करीब 8 दुकानें पूरी तरह से जलकर राख हो गई। इसमें करीब 50 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। सभी चूड़ी व सिंगार आइटम की दुकानें थी। जानकारी के मुताबिक ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। यूपी के रिटायर्ड हेड कांस्टेबल से 55 लाख की ठगी। झारखंड के जामताड़ा से साइबर ठग गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बलिया के सेवानिवृत्त हेड कांस्टेबल भुवनेश वर्मा के बैंक खाते से 55 लाख रुपए की ठगी करने वाले साइबर ठग को यूपी पुलिस ने झारखंड के जामताड़ा से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवक झारखंड के जामताड़ा शहर के ओम साई रेस्टोरेंट का संचालक सोनू मंडल है, जबकि दूसरा आरोपी सोनू का भाई द्वारिका मंडल उर्फ पिंटू फरार है। तीसरा आरोपी रिंगो चिंगो गाँव का रामकिशुन मंडल है, जिसे 2 दिन पूर्व ही हरियाणा पुलिस गिरफ्तार करने के बाद रिमांड पर अपने साथ ले गई है। उत्तर प्रदेश के बलिया के सेवानिवृत्त हेड कांस्टेबल भुवनेश वर्मा के बैंक खाते से 55 लाख रुपए की ठगी की गई है। ठगी करने वाले में रेस्टोरेंट संचालक सोनू मंडल, उसका भाई पिंटू व रिंगो चिंगो गांव का रामकिशुन मंडल शामिल थे। साइबर ठगी के बाद बलिया के सेवानिवृत्त हेड कांस्टेबल ने यूपी के आजमगढ़ साइबर थाना में 2021 में 55 लाख रुपए ठगी की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस जांच में जुटी थी। सुखाड़ को देखते हुए PDS सिस्टम को और मजबूत करने पर है सरकार का जोर। रामेश्वर खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने फूड सिक्योरिटी एटलस ऑफ रूरल झारखंड का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने PDS सिस्टम को और मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में सुखाड़ की हालत उत्पन्न हो गए हैं, ऐसे में हमें PDS सिस्टम को और मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि संथाल परगना क्षेत्र के 3 जिले गोड्डा साहिबगंज और पाकुड़ उच्च खाद्य असुरक्षित क्षेत्र की श्रेणी में आते हैं। वहीं पूर्वी सिंहभूम रांची धनबाद हजारीबाग और रामगढ़ जिले अत्यधिक खाद्य सुरक्षित जिले हैं। खाद्य सुरक्षा पर आयोजित कार्यक्रम में रामेश्वर उरांव ने कहा कि झारखंड में सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है। यहां की कृषि पूरी तरह वर्षा पर आधारित है। वर्षों बाद राज्य में भयंकर सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हुई है, ऐसे में PDS सिस्टम को और ज्यादा दुरुस्त करने की आवश्यकता है। शिक्षक बहाली से पहले JTET परीक्षा की BED अभ्यर्थियों ने की मांग। विधायक को सौंपी ज्ञापन। BED के अभ्यर्थियों ने शिक्षक बहाली से पहले JTET परीक्षा की मांग को लेकर रविवार को चक्रधरपुर के पोड़ाहाट स्टेडियम में बैठक की। बैठक के दौरान अभ्यर्थियों ने कहा कि आगामी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूली शिक्षक बहाली प्रक्रिया से पूर्व झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा हो। NCTE के गाइडलाइन के तहत प्रत्येक वर्ष JTET परीक्षा अवश्य आयोजित होनी चाहिए, लेकिन झारखंड के छात्रों का दुर्भाग्य है कि राज्य अलग होने के बाद 20 वर्षों में सिर्फ 2 बार 2013 व 2016 में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन हुआ है। हिंदू लड़कियों को उठा लेने की धमकी देने वालों को करे गिरफ्तार। भाजपा ने दी आंदोलन की चेतावनी। राज्यसभा सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने लोहरदगा में रविवार को कहा कि रांची जिले के ओरमांझी स्थित प्रोजेक्ट +2 उच्च विद्यालय में मुस्लिम युवकों द्वारा हिंदू लड़कियों को धमकाने की घटना बेहद निंदनीय और चिंताजनक है। उन्होंने इस मामले को लेकर SSP और संबंधित थाना प्रभारियों से बात की, साथ ही स्पष्ट रूप से कहा कि यदि दोषियों की अविलंब गिरफ्तारी नहीं होती है तो वह धरना प्रदर्शन भी करेंगे। उन्होंने कहा है कि वह स्वयं सोमवार को विद्यालय जाएंगे, वहां की बच्चियों का दुख बांटने का काम करेंगे। कहा है कि राज्य में अपराधियों का बोलबाला है, यहां किस प्रकार की स्थिति है सबको दिखाई दे रहा है। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, उग्रवाद पर पुलिस प्रशासन का नियंत्रण नहीं है। आदित्य साहू ने कहा है कि जिस प्रकार की स्थिति आज पूरे देश में जो कांग्रेस शासित राज्यों में नजर आ रही है, इसके बाद ऐसा लग रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को देश में 10 सीट भी प्राप्त नहीं होगी।
19 सितंबर को 3 दिवसीय दौरे पर आएंगे रेल राज्य मंत्री। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राम साहेब दादाराव दानवे पाटिल 19 सितंबर को 3 दिवसीय दौरे पर साहिबगंज आएंगे। उनके दौरे को देखते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तैयारी शुरू कर दी है। यह जानकारी राजमहल विधायक अनंत ओझा ने पत्रकारों को दी है। कहा है कि रेल राज्य मंत्री 19 से 21 सितंबर तक विभिन्न जो है कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वे राजमहल लोकसभा कोर कमेटी, पार्टी के जिला पदाधिकारियों, पार्टी के सभी मोर्चा अध्यक्षों एवं मंडल अध्यक्षों के साथ संगठनिक बैठक करेंगे। बैठक में संगठन को मजबूत बनाने पर चर्चा चलेगी। इसके अलावा वे बीजेपी से जुड़े पंचायत स्तरीय के जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक करेंगे। सामाजिक न्याय सम्मेलन में सुदेश महतो ने साधा निशाना, बोले व्यक्ति हित के लिए सत्ता का उपयोग करना खतरनाक संकेत। आसू सुप्रीमो शाह झारखंड के पूर्व जो है उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने वर्तमान राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि लोकहित से लोकतंत्र मजबूत होता है, लेकिन व्यक्ति हित से लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन होता है। इस कारण व्यक्ति हित के लिए सत्ता का इस्तेमाल खतरनाक संकेत है। जमशेदपुर स्थित टेल्को के गुरुद्वारा हॉल में अखिल झारखंड पिछड़ा वर्ग महासभा द्वारा आयोजित सामाजिक न्याय सम्मेलन में शिरकत करते हुए आसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा है कि शिक्षित संगठित और जागरूक समाज ही अधिकार और न्याय पा सकता है। शिक्षा हासिल करना, सम्मान पाना और अधिकार लेना, इन तीन चुनौतियों के साथ हमें आगे बढ़ना है। धनबाद जिले में कतरा से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस ने रविवार 11 सितंबर को देशव्यापी अभियान के तहत कतरास के सुप्रसिद्ध सूर्य मंदिर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। यात्रा तेतरी नदी, कतरास, पचगढ़ी बाजार, थाना चौक, स्टेशन होते हुए बाजार चौक के पास सभा में तब्दील हो गई। सभा को मुख्य अतिथि धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के आह्वान पर राहुल गांधी के नेतृत्व में 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई है। यह यात्रा 12 राज्यों एवं 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होते हुए 35 किलोमीटर दूरी तय कर जम्मू कश्मीर में समाप्त होगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।